में सबसे पहले अच्छी खबर, पोल्यूशन फ्री होगी गुलाबी नगरी। आने वाले दिनों में अब लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। जयपुर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार और ट्रैफिक विभाग ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। जयपुर की आबोहवा को सुधारने और ट्रैफिक कम करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब प्रदेश में 10 साल पुराने वाहनों पर ब्रेक लगाया जाएगा, जिनमें मिनी बसें, ऑटो, GCTSL की लो फ्लोर बसें, रोडवेज भी शामिल हैं। 2018 तक इन सभी को हटा दिया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया है। वहीं पुराने डीजल ऑटो को प्रदूषण के लिए ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। केवल LPG ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको बता दें कि शहर में 9631 डीजल ऑटो दौड़ रहे हैं, जिनका 2019 मार्च तक पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और आबोहवा राजधानी जयपुर की सुधर जाएगी। और जयपुर की आबोहवा कैसे सुधरेगी, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या निर्देश हैं ट्रैफिक विभाग और सरकार के, ये हम आपको बताते हैं किस तरह से सुधरेगी हालत जो है वो सड़कों की और आबोहवा जयपुर की। डीजल वाले ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर 2 साल से है ब्रेक और LPG वाले ऑटो ही दौड़ेंगे अब शहर की सड़कों पर। जयपुर में मोबाइल ऐप बेस्ड बस सेवा शुरू होगी। दिल्ली की तर्ज पर चरणबद्ध तरीके से बंद होंगे पुराने वाहन। 9631 डीजल ऑटो जो शहर में दौड़ रहे हैं वही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं प्रदूषण के, जिनको बाहर कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। बांग्लादेश में दोनों देशों के बीच एशिया कप T20 मैच खेला जाएगा। हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों ही टीमें जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि T20 मैचों में भारत पाकिस्तान में कुल 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 5 भारत ने जीते हैं। और गुलाबी नगरी में आज पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 2 दिन तक नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में एथलीट्स में रियो ओलंपिक के लिए जगह बनाने की कश्मकश रहेगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं राजस्थान की उम्मीद सपना पुनिया पर टिकी हुई है। इस प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ी अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करेंगे, तो कुछ खिलाड़ी अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। जयपुर के JLN मार्ग पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है सुबह 6:30 बजे से ही, और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर किस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो चुका है, और ये सीधी तस्वीरें हैं जयपुर से आपके लिए। और जयपुर में हमारे संवाददाता से हम बात करें, उससे पहले आपको इस प्रतियोगिता के बारे में बता दें। चैंपियनशिप में देश भर से 128 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 99 पुरुष और 29 महिला खिलाड़ी हैं। आज पुरुष और महिला वर्ग की 20 किलोमीटर स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। कल अगर बात करें तो पुरुषों की 50 किलोमीटर की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 20 किलोमीटर के लिए 10 चक्कर और 50 किलोमीटर के लिए 25 चक्कर लगाने होंगे। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर से, जो सीधे हमें मिल रही हैं किस तरह से रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये खिलाड़ी लगे हुए हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरह का नजारा है इस वक्त JLN मार्ग पर? देखिए, अद्भुत नजारा है और JLN मार्ग पर ऐसा अमूमन जयपुर में कभी देखने को नहीं मिला, जब इस तरह की जो पैदल चाल होती है वो देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी तरीके से पुलिस महकमा जो है वो इसमें बहुत ही स्पोर्टिव वे में नजर आ रहा है, पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। इस आयोजन की बात करें तो पुरुष वर्ग की जो 20 किलोमीटर की पैदल चाल है उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है, और उसके बाद में महिला वर्ग की जो श्रेणी होती है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कड़ा
मुकाबला चल रहा है सपना का और पंजाब की खुशप्रीत कौर का। अब लगातार आगे पीछे होने की स्थिति जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बनाया गया, यानी कि 10 चक्कर इनको तमाम खिलाड़ियों को काटने होंगे। अब पूरे भारत भर से ये तमाम जो खिलाड़ी है वो आए हुए हैं, इसमें पुलिस महकमे के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद है, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भी लोग इसमें मौजूद है। और एक बड़ी जो नजर है वो इन लोगों पर रहने वाली है, क्योंकि ओलंपिक के अलावा एशियन गेम्स जो मार्च में होने वाले हैं उन्हें लेके भी एक पैनी नजर के साथ में यह इस आयोजन को देखा जा रहा है। एक पैदल चाल का जो खेल है एक इस तरीके से उभर के आया है देश के अंदर, बहुत ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती थी, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो श्रेय जाता है राजीव गासौत को, जिन्होंने पुलिस महकमे के उस उड़न परी को सपना पुनिया को उस चेहरे को सामने लेके आए हैं। अभी ताजा हालात में आपको सब बता दूं कि पुरुष वर्ग की जो दौड़ है पैदल चाल की वो चल रही है, तकरीबन ये पांचवा जो चक्कर है वो चल रहा है। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आशुतोष इन नजारों को दिखाने के लिए। तो आशुतोष हमें बता रहे थे कि पुरुष वर्ग की अभी पैदल चाल दौड़ चल रही है और तस्वीरें हमारे साथ हैं सीधे जयपुर से लाइव, और सपना पुनिया पर राजस्थान की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो इस प्रतियोगिता पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर आशंका है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसके संकेत कांग्रेस पहले ही दे चुकी है। मुद्दा है पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर दिया गया बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा का बयान, जिसे लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा गुलजार होगी क्योंकि बजट सत्र शुरू होगा। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वालों की भी निगाह इस सत्र पर खास तौर पर रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाह होती है सस्ते और महंगे पर। लेकिन सरकार को ये सत्र महंगा पड़ने वाला है कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के बयानों की वजह से, जिनके युवराज राहुल गांधी के दिए बयानों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। यानी कांग्रेस इस सत्र में सरकार को सस्ते में नहीं छोड़ने वाली। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां जनता के माध्यम से विपक्ष सरकार को जवाबदेह बना सकता है और उस भूमिका को हम निभाएंगे। वही सरकार भी विपक्ष की मंशा को बखूबी समझती है, इसी के चलते वो अपने विधायकों की गलती मानती है और इसे शिष्टता के दायरे से बाहर बताकर समझाने के मूड में है। कोई घेरने का सवाल नहीं होता, क्या घेरेंगे, 20-21 तो सदस्य है, क्या घेरेंगे हमें, और घेरेंगे जब जब हम कोई गलती में होंगे। हम कभी गलती में रहते नहीं, हमारी सरकार स्मूथली चलती है, साफ सुथरा काम करती है, साफ सुथरा वर्क करती है और हमेशा जनहित के काम करती है, इसलिए किसी प्रकार हम डरने की जरूरत नहीं। हम बढ़िया काम करते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। हर वर्ग के लोगों से उन्होंने विचार विमर्श किया है, महिलाओं से अलग किया, किसानों से अलग किया, फिक्की वालों से अलग किया, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अलग चर्चा करी। तो मैं समझता हूँ इस चर्चा के माध्यम से पूरा छनकर के बजट आ रहा है, और जो इस बार बजट आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी जो पेश करने वाली है वो निश्चित रूप से राजस्थान को विकास की ओर बढ़ाने का एक अच्छा बजट होगा। विधानसभा सत्र चलाने की मंशा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जता रही है। जनता के मुद्दे उठाने का दावा करने वाली कांग्रेस हंगामा या वॉकआउट करेगी या फिर सत्र में सार्थक बहस करेगी। सवाल बीजेपी से भी है कि वो दोनों विधायकों से माफी मंगवाएगी या दूसरा रास्ता निकालकर सदन चलाएगी या बिना विपक्ष और बिना बहस बजट पारित कराएगी। सवाल साख का हो तो झुकने का सवाल बनता ही नहीं है। यही वजह है कि राहुल पर बयान को लेकर न कांग्रेस समझौते के मूड में है न सरकार। अब जनहित की ही शर्त है जो दोनों पर लगाम लगा सकती है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और प्रदेश में मंत्री से लेकर विधायक तक अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगा रहे हैं। सरकारी योजनाओं को अमल में लाने में लेट लतीफी का मामला हो या फिर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला, करौली से चुरू तक, जयपुर से बांसवाड़ा तक मंत्री और विधायक अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगा रहे हैं। जनता को लगना चाहिए कि हमारे लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है और उसका पारदर्शिता से काम किस प्रकार से हो सकता है वो कीजिए, वरना मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो जो शिकायतें मेरे पास आई है उन शिकायतों की मैं जांच भी करूंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा। पूर्ण रूप
से मैं कह सकता हूं कि मैं आज की इस बैठक से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और जो मुझे अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार यहां पर किसानों को लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पाया है। इस सारे विषयों को गंभीरता से हम लोग देखेंगे, कहां कहां पर कितना कितना बजट खर्च नहीं हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कौन दोषी होंगे उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे जो पानी टैंकर्स जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो जीपीएस सिस्टम को खराब कर देते हैं, या उस वो बताते वक्त तो कहते हैं, जब टेंडर वर्क ऑर्डर होता है तब तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास में है, और उसके बाद में वो सिस्टम चलता नहीं है। तो इसलिए इसको अब की बार हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर जीपीएस सिस्टम नहीं चला तो फिर हम लोग उसके अंदर पेमेंट नहीं होगा। सुन लेना मेरी बात को, जितने वार्डन है बड़ा लेना की मत, एक अगर करो तो एक लंच है, एक लंच अगर करो सारे वार्डन को आश्वासन दिला ले वापस पटेल विभाग में भेज दिया जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हनुमानगढ़ की बात करते हैं। सहकारी स्पिनिंग मिल बंद हुए करीब 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अब इस मिल को फिर से शुरू करने के आसार भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि महापड़ाव पर बैठे श्रमिकों को सीएम राजे ने बुलावा दिया है। हनुमानगढ़ की बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को फिर से चालू करवाने की मांग तेज होती जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे मिल मजदूरों से शुक्रवार को कलेक्टर ने बात की और मिल मजदूरों से कहा कि उन्हें वसुंधरा राजे ने वार्ता के लिए जयपुर बुलाया है। काफी समय से मिल की मांगों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे और आज लोग अनशन पे बैठे हैं, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूं कि ये बहुत संवेदनहीनता है, सरकार इसको हल्के में ले रही है। 10 लोग जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मजदूर संघ के साथी शामिल है और हम आगे आमरण अनशन पर बैठे हैं, और जब तक आमरण अनशन पर रहेंगे जब तक राजस्थान की सरकार स्पिनिंग मिल चालू नहीं कर देती और उनकी जो मजदूरों की तनख्वाह है वो रुकी हुई है वो नहीं दे देती। उधर मिल मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें 4 महीने का रुका हुआ वेतन नहीं मिल जाता और सरकार जब तक स्पिनिंग मिल को फिर से शुरू करने का फैसला नहीं करती है वो महापड़ाव और भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। विक्रम सिंह के साथ जी मीडिया हनुमानगढ़। और बजट आने वाला है 29 तारीख को, इसको लेकर प्रदेश में लोगों की मांगे हैं और वित्त मंत्री जेटली से, राजसमंद मार्बल उद्योग से जुड़े लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर मार्बल ब्लॉक पर लगने वाले रॉयल्टी से उन्हें छुटकारा मिलने की उम्मीद है। वे चाहते हैं कि तैयार माल पर रॉयल्टी लगाने की व्यवस्था हो। राजसमंद का मार्बल उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है, यहाँ के मार्बल व्यवसायियों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों की चाहत है कि राजसमंद को मार्बल मंडी का दर्जा मिले ताकि उससे जुड़ी सुविधाएं मिल सके। राजसमंद मार्बल उद्योग में जान डालने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। इस उद्योग से सरकार को राजस्व का काफी फायदा होता है, लिहाजा राजसमंद के मार्बल व्यवसायी मकराना की तरह मार्बल ब्लॉक की जगह तैयार माल पर रॉयल्टी लिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर ये रॉयल्टी अगर माफ कर देना तो हम लोग पैसे कमा सकते हैं और लेबर को भी कुछ मजदूर ज्यादा देंगे तो हमारे को भी बेनिफिट होगा, लेबर को भी 2% ज्यादा देंगे। मंदी की वजह से छोटे छोटे कतर बंद होने लगे हैं, गैंगसा से पत्थरों को तराशने पर खर्च बढ़ जाते हैं। वही मार्बल उद्योग से जुड़े 10,000 से ज्यादा श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। और हमारी ये मांग है कि राजसमंद में मार्बल व्यवसाय खुले फले और पनपे, उसके लिए इसको मार्बल मंडी घोषित की जावे और मार्बल व्यापारियों के हितों का भी पूरी तरह से सरकार ध्यान रखे। वही मार्बल उद्योग से पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस पर सख्त कानून की भी दरकार है। विनीता के साथ जी मीडिया राजसमंद। और जीएसटी बिल को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है। सीआईए के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि जीएसटी कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन बीजेपी उसमें बदलाव कर मनमाने तरीके से लागू कराना चाहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बिल का विरोध करती थी, अब बीजेपी अपनी सरकार में इसे पास कराने की जद्दोजहद कर रही है। विरोध
दो तीन टेक्निकल इश्यूज हैं, एक एक कैप का इश्यूज है, एक 1% हर स्टेट के ऊपर था, वो मेरे ख्याल सरकार ने मान लिया है, अनौपचारिक जानकारी मेरे पास है। लेकिन मोटा मोटा जीएसटी को जब हम लेकर आते थे तो भाजपा चिल्ला चिल्ला कर इसका विरोध करती थी, भाजपा के कई राज्य के मुख्यमंत्री इसका विरोध करते थे, और लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि लोग भूल जाते हैं। और आज वित्त मंत्री बोलते हैं कि जीएसटी के बिना हम जी नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अब नकली नोटों की बात करेंगे। प्रदेश के 33 में से 21 जिलों में नकली नोट खपाए जा रहे हैं, इसका खुलासा इन जिलों की बैंक शाखाओं से हुआ है। साल 2015 में प्रदेश के 21 पुलिस जिला क्षेत्रों के बैंकों ने रिजर्व बैंक को खाताधारकों से नकली नोट मिलने की जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने जयपुर के गांधीनगर थाने में लाखों रुपए के नकली नोट मिलने के कुल 22 मुकदमे दर्ज कराए। इसमें 2 मुकदमे जयपुर कमिश्नरेट और जयपुर ग्रामीण पुलिस में दर्ज किए गए हैं। हमने कल प्रदेश में फैले इस नकली नोट के पूरे जाल का ब्यौरा आपको दिखाया था। आपको बता दें कि एसओजी के जयपुर मुख्यालय ने नकली नोट तस्करी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अभी तक सरगना तक एसओजी नहीं पहुंच सकी है। और प्रदेश में फैल रहे नकली नोट के धंधे से आप कैसे बच सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नोट असली है या नकली, इसकी पहचान के लिए आपको 6 खास बातों का ध्यान रखना होगा। वाटरमार्क, 500 के नोट में एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर होती है और दूसरी तरफ खाली जगह होती है, जिसे वाटरमार्क कहते हैं। खाली जगह को लाइट में देखने पर महात्मा गांधी की तस्वीर दिखती है। और माइक्रो लेटरिंग, नोट पर गांधी की तस्वीर के दाईं तरफ पट्टी और तस्वीर के बीच में माइक्रो लेटरिंग होती है, इसे लेंस से देखने पर इसमें आरबीआई और 500 लिखा हुआ दिखाई देता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये मार्क हर नोट में अलग अलग होता है, नोट के बाईं और वाटरमार्क के पास होता है। 500 के नोट में ये गोलाकार और 1000 के नोट में डायमंड शेप में होता है। लेटेंट इमेज, 500 के नोट में गांधी जी के तस्वीर के दाईं तरफ एक पट्टी होती है जिसमें 500 लिखा होता है, और इसे थोड़ा टेढ़ा करने पर यह नजर आता है, नकली नोट में यह नहीं होता है। इंटोगलिया प्रिंटिंग, 500 के नोट के बाईं तरफ नीचे कोने में अशोक स्तंभ होता है जो अलग तरह से प्रिंट होता है, हाथ लगाने पर पता चलता है, जबकि नकली नोट में यह प्लेन होता है। इस प्रिंटिंग में गवर्नर नोट भी लिखा होता है, लिहाजा इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपके पास जो 500 या 1000 का नोट आया है वो असली है या नकली। अब आपको 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं जिनके ऊपर आपकी और हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान रैली को संबोधित करेंगे। आज केरल में 5 परियोजनाएं शुरू होंगी और राष्ट्रपति इसको शुरू करेंगे। रिसर्च इन राजस्थान के तहत MOU साइन होने हैं आज। और दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल की कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, मीरपुर में भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच है आज। जोधपुर IIT में चल रहे इग्निस 2016 में बॉलीवुड सिंगर KK ने अपनी कल्चरल टेक्निकल एंड सोशल, तो आज इसका सेकंड डे है और इसके लिए ब्रूनाइट में हमने KK को बुलाया है, तो KK अभी परफॉर्म कर रहा है, सारे गाने उसके चल रहे हैं और ऑडियंस बहुत ही एंजॉय कर रही है। आगे बढ़ते हैं। भाभी जी घर पर हैं या फिर कुमकुम भाग्य जैसे मनपसंद सीरियल देखना चाहते हैं, तो अब इसके लिए टीवी के सामने बैठे रहने की भी जरूरत नहीं होगी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी जी डिजिटल कन्वर्जेंस ने एक नया ऑन डिमांड वीडियो प्लेटफॉर्म OZ लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी पसंद के सभी कार्यक्रम मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे पर्सनल डिवाइसेस पर मुफ्त में देख सकेंगे। सारे कंटेंट एंड्रॉयड, iOS और वेब पेज पर मुहैया होंगे। ओजी पर जी टीवी, एन टीवी, जी कनाडा, जी बांग्ला, जी मराठी, जी तमिल, जी तेलुगु और जी जिंदगी के सीरियल्स और अन्य कार्यक्रम देखे जा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म को खासतौर पर 18 से 24 साल की उम्र वाले
युवाओं को लुभाने के लिए लॉन्च किया गया है।